ये जो एक ऑब्सेशन आ गया है कि हमने परफेक्ट होना है, हमने वो फिल्टर लगा के जैसी लुक है वैसी लुक बनानी है, खुदारा इन फिल्टर्स के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेजर स्पेशलिस्ट। आई हैव डन FCPS इन डर्मेटोलॉजी सम 8 ईयर्स बैक एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन DHL लाहौर। सो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टॉक राइट नाउ इज़ अबाउट द ऑब्सेशन ऑफ स्किन केयर इन जेन ज़ी। इससे बेसिकली मुराद ये है कि जो इस वक्त हमारे यंगस्टर्स हैं 20s में हैं, जो कि बहुत अपनी यूथ को इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी यंग लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा आजकल ऑब्सेशन देखा जा रहा है कि परफेक्शन का ऑब्सेशन। What is perfection? Basically, first we need to know what is perfection. देखिए perfection जो है ना, मेरा मानना ये है कि perfection सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है, उसके अलावा perfection किसी में नहीं है। हम सब अपना एक बेहतर वर्जन तो बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें, हम सबको ये मौका इस दुनिया में बेसिकली यही दिया है कि बेहतरीन काम करो और अपना एक बेहतर वर्जन बनो। अब होता ये है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हर एक के हाथ में मोबाइल्स हैं और वो मोबाइल पूरी की पूरी एक पूरी दुनिया है, इट्स द होल वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया को देख रहा है, वो इंस्टाग्राम देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, वो स्नैपचैट पे बात कर रहा है, वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है जी फिल्टर्स लग रहे हैं, लोग अपना इतना ऐसा फिल्टर लगा के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी परफेक्ट, एक परफेक्ट तरीन फ्लॉलेस तरीन एक प्रेजेंटेशन हो रही है। एक्टर्स को हम देखते हैं, हम ये जो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जिनकी बहुत बहुत मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं, हम उनको देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों को इन रियल देखा? अगर आप उनको कभी इन रियल क्लोजली उनको ऑब्जर्व करें तो वो बिल्कुल सब हम जैसे ही हैं भाई, सब के सब, सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब के स्किन में फ्लॉज हैं, हम सब के अंदर फ्लॉज हैं। दुनिया में कोई इंसान भी फ्लॉलेस नहीं होता, हर एक के फ्लॉज होते हैं। आपने उनको उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको ब्यूटीफाई बस कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो एक ऑब्सेशन आ गया है कि हमने परफेक्ट होना है, हमने वो फिल्टर लगा के जैसी लुक है वैसी लुक बनानी है, खुदारा इन फिल्टर्स के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये जो आजकल की यूथ है, ये जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, ये फिल्टर्स के ट्रैप में फंस के बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। फिर आजकल जो ऐसे ऐसे एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, या जो इतना ज़्यादा मतलब उस तरह से एथिकली काम, क्योंकि अनएथिकल लोग भी मौजूद हैं और अनएथिकल, वो फिर उनको ट्रैप कर लेते हैं कि नहीं नहीं आप आएँ, हम आपको इस तरह कर लेंगे। अब एक 20 साल की बच्ची को अगर कोई कहे कि आओ मैं तुम्हें बोटॉक्स लगाता हूँ, बोटॉक्स फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस लगाता हूँ, तो इट्स अ क्राइम, ये क्रिमिनल एक्ट है। फिर 20 साल की बच्ची को बोटॉक्स की क्या ज़रूरत है? इसी तरह से ये ट्रैप और ये इस तरह से इन चीज़ों में आपने नहीं फंसना। आप अपने आप को नेचुरली, आप सनब्लॉक, आप धूप में जाने से पहले सनब्लॉक क्यों नहीं यूज़ करते? आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट क्यों नहीं करते? आप प्रॉपर विटामिंस और इन चीज़ों का इनटेक क्यों नहीं करते? आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन चीज़ों का प्रॉपर इनटेक करें, आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, आप अपने स्लीप साइकिल्स को प्रॉपर करें, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक नेचुरल ग्लो, आपके अंदर एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा और आपकी लाइफ में एक सुकून आ जाएगा। खुदारा इन इस ट्रैप, ये जो एक ट्रैप है ये सोशल मीडिया का, ये फिल्टर्स का, इसमें नहीं फंसना। लव योर सेल्फ, आप जो हैं आप खुद बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप नेचुरल और प्रॉपर वे में अपनी केयर करें बस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज एंड आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।